अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आई होप तुम लोग खैरियत से हो गए ठीक ठाक हो गए यार कल मैंने वीडियो बनाई थी अबाउट द डोंकी एक्सीडेंट मेरा एक दोस्त है शराज जिनका नाम है वेरी ग्रेट गाय उसके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के जानवर है किसी दिन आपको लेके कर चलूँगा दिखाऊँगा मिलवाऊँगा भाई से भी मुझे कल पता चला कि गधे बीच रोड पर आते कैसे हैं अच्छा मुझे लगता था कि भाई गधे जो है वो खाना खाने निकले होंगे रोड क्रॉस कर रहे होंगे या कुछ होगा कि बीच रोड पे खड़े हुए हैं लेकिन इसके पीछे कहानी जो है वो मुझे आज पता चली है मतलब ये तो एक पूरा माफिया है एक पूरा एक इट्स अ डोंकी ट्रैप डोंकी ट्रैप के बारे में मैं आपको बता हूँ बेसिकली डोंगी ट्रैप होता क्या है तो यार सीन ये है कराची में चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती बट ये हाईवे पर एम वाले मोटरवे पर घारों की तरफ डैम की तरफ गडाव की तरफ इन रस्तों पे जो है बेसिकली होता क्या है कि गधे जो है जिन लोगों के गधे होते हैं ना जो आ, रिटायर हुए हुए होते हैं या बुढ़े हुए हो होते हैं या जख़्मी हुए हुए होते हैं अगर गधे की टांग टूट जाए ना तो वो उसके मालिक का भी किसी काम का नहीं होता क्योंकि ना वो सामान कैरी कर सकता है ना वो जो है आ, कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आ सकता है तो बेसिकली हुआ क्या कि करते क्या है ये लोग कि जिन गधे जो बड्ढे हो जाते हैं या जो जख्मी हो जाते हैं या जो एक्सपायर होने लगते हैं उनको ये जान पूछ के बीच रोड पे छोड़ देते हैं बीच रोड पर इसलिए छोड़ते हैं ताकि कोई गाड़ी आए इनको टक्कर मारे जान पूछ के अब जैसे ही इस गाड़ी वाला आएगा टक्कर मारेगा नेचुरली मुझ जैसा बंदा अगर होगा तो वो रुकेगा कि भाई गदे को चोट लग गई ज़रा मैं देखूँ ठीक है लेकिन होता क्या है जैसे आप गाड़ी रोकते हैं तो आस पास के जो गाँव वाले होते हैं वो भाग कर आते हैं और आपको पकड़ लेते हैं और आप बोलते हैं कि आपने हमारे घधे का एक्सीडेंट कर दिया ये गधा जो है मेरी रेस में दौड़ता था या ये गधा मेरा सिर्फ एक ज़रिया माश था इस घधे की वजह से मेरा घर चल रहा था और वो लोग आपसे पैसे लेते हैं मुंह मांगे जब इतने ज़्यादा लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे आ जाएंगे तो आप लोग भी बोलोगे कि नहीं यार मैंने नुकसान कर दिया और मुझे भरपाई करनी है हालाँकि वो गधा उन किसी काम का नहीं होगा वो मर जाएगा बेचारा लेकिन ये लोग जो हैं इस घदे को इस तरीके से काम में लेते हैं ख़ास तौर पर ये कराची में भी ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर जो है क्या कहते हैं ये घदे लोग बीच में आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तेरा डी वाला जो रास्ता है जहाँ पर सवाना सिटी अगर मैं गलत ना हो लकड़ी वाला जो है वसीम बाग वसीम बाग जहाँ पर है तो वहाँ पर भी मैंने तीन चार गधे तो मैंने खुद ने उठाएं भाई हमारी सिंगर दोस्त है नताशा बेग शी इज़ वेरी पॉपुलर माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं उसकी मुझे कॉल आई यार अजलान के यहाँ पर एक गधा जो है लंगड़ा खड़ा हुआ बीच रोड पर टांग उठाकर खड़ा तो वो घधा मैंने ही जाके जो है रेस्क्यू करवाया था ए सी ए वालों को दिया था तो लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि बीच रोड पर गधे क्यों खड़े हुए होते हैं बीच रोड पे गधा क्यों भाग रहा होता है बीच रोड पे गधा क्यों मासूम बेचारा खड़ा होता है वो इसलिए क्योंकि उसी के मालिक उसको वहाँ छोड़ते हैं टक्कर मरवाने के लिए कि उनको टक्कर लगे आप रुकेंगे और वापस आके पैसे लें जो लोग होशियार होते हैं जो थोड़े भरमबाज होते हैं हाँ टक्कर मार दी गधा तुम्हारे बीच में आके लड़ तो लड़ के निकल जाते हैं लेकिन जो लोग फंस जाते हैं उनसे ये लोग लेते हैं पैसे ठीक ठाक पैसे अच्छे खासे पैसे सवाल ये आता है कि यार मतलब आप मुझे अजीब सा लग रहा है कि यार उस बेचारे मासूम जानवर को आप किस किस तरह से टॉर्चर करते हो यार किस किस तरह से टॉर्चर करते हो लाहौर का एक वाक्य मैंने अभी रजा के पॉडकास्ट में बोला था हीरो जिस गधे का नाम था वो एक एक पॉलिटिकल पार्टी थी उनकी जो है रैली चल रही थी और उस गधे के ऊपर कुछ नाम लिख दिया और बोल दिया भाई ये वो पॉलिटिकल लीडर है तो उस गधे को जो है डंडे भी मारे उस गधे को तेजाब भी पिलाया गया उस गधे के ऊपर आग भी लगा दी सर्च कीजिएगा आप गूगल पे फ़ोन आ रहा है रहे सेकेंड खैर हमारे दोस्त मोहसिन भाई का कॉल था बताने का मकसद ये आप सर्च कीजिएगा लाहौर में वाक़ हुआ था हीरो उस डोंकी का नाम रखा गया था तो लोग इतने ब्रूटल हो जाते हैं कि अपनी खुशी के लिए या अपने पैसे बनाने के लिए या अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए आप लोग जो है बेजुबान जानवरों पर जुल्म करते हैं दिस इज रॉन्ग बहुत बुरी बात है ये आप देखो अगर तुम लोग देख रहे हो अभी तक ये वीडियो तो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई ये डोंकी स्कैम जो होता है ना ये होता है ये एक्चुअल में रियलिटी है पंजाब साइड पर तो एमशोर ज़्यादा होता होगा यहाँ पर भी बहुत होता है हर जगह होता है सही है शहर में नहीं होता होगा बट गाँव के एरिया में ज़्यादा होता होगा तो बहरहाल इससे ज़रा बच के रहना सेकेंडली गाड़ी बहुत ध्यान से चलाओ आहिस्ता चलाओ ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो ताकि तुम्हें भी ना लगे उसको भी ना लगे थर्डली ये भाई अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसके दिल में जानवर के लिए कोई रहम नहीं है जिसके दिल में होता है ना कि बिल्ली को पत्थर मार दिया बिल्ली डूम से उठा के फेंक दी या कुत्ते को पत्थर मार दिया कुत्ते को लात मार दी तो ऐसे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो ताकि वो थोड़ा सीखे अगर फिर भी ना सीखे, तो इन जब कयामत आएगी जब ऊपर हिसाब होगा तो सबकी जो है ना बैंड बजेगी सबको गर्म 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 सलाखें जो लगेंगी ना उनकी पीठ पर फिर उनको मज़ा आएगा सही है ना क़यामत असल में आनी है आखिरत में सबका हिसाब होना है तो याद रखना एनिमल क्रुलटी से बचें इंसानियत वाली क्रुलटी से ही बचें यार इंसानों को भी नहीं देना चाहिए ऐसी बात नहीं मैं जब जानवर के राइट्स की बात करता हूँ ह्यूमन राइट्स की बात करता हूँ मैं ठीक है तो प्यार बाटो प्यार लो जिंदगी बात थोड़ी है आज हो कल नहीं हो इंसान का जो वक्त है ना दुनिया में बड़ा कम है समझो कि अजान से लेकर नमाज तक का फ़र्क है क्योंकि जब बंदा पैदा होता है तो सिर्फ़ अजान दी जाती है उसके कानों में और जब मरता है तो नमाज जनाजा की अज़ान नहीं होती है तो आप समझ गए ना सिर्फ अजान और नमाज तक का फ़र्क है इतनी ही जिंदगी है मिलते हैं भाई अगली वीडियो में बहुत ख्याल रखना पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफ